सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस यहां पे मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये है बीटल कंपनी का एक लैंडलाइन फोन दोस्तों, ठीक है। इसका मॉडल है C51। ये वाला जो फोन है बिल्कुल ही बेसिक लेवल का फोन है, यानी कि इसके ऊपर आपको डायलर टोन तो मिल जाएगी, यानी आपको LCD मिल जाएगी, बट उसके ऊपर बैकलाइट वगैरह नहीं मिलती है। बिल्कुल ही बेसिक और एंट्री लेवल का ये जो है हैंडसेट है। इससे सस्ते भी आते हैं दोस्तों, वो भी आप परचेज कर सकते हो। तो मैंने इसको अर्जेंट परचेज किया था क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी और मैंने आप लोगों को बताना था कि अगर आपके पास जियो फाइबर या फिर एयरटेल फाइबर या फिर किसी भी अदर लोकल ब्रांड का फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है, और आप लोगों को दोस्तों पता होगा यहाँ पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, बट दोस्तों उस अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी आपको मिलेगी तब जब आपके पास ये वाला हैंडसेट होगा। तो हैंडसेट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके दोस्तों आप भी परचेज कर लेना अगर आपने फाइबर कनेक्शन ले रखा है, चाहे वो जियो का हो या फिर एयरटेल का हो। तो मेरे घर पर यहाँ पर दोस्तों जो जियो का एयर फाइबर था वो तो आप सबको पता है दोस्तों, 6 महीने के बाद मैंने उसको रिमूव कर दिया था। और जियो एयर फाइबर के अंदर आप हैंडसेट नहीं लगा सकते, ये आप लोग पहले से जानते होंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जियो एयर फाइबर के अंदर पीछे प्रोविजन नहीं दे रखा है RJ11 के पोर्ट का, जहां पे इसका कनेक्टर लगता है। बाकी दोस्तों फाइबर कनेक्शन के अंदर आप लोगों को चाहे जियो का हो, BSNL का हो, एयरटेल का हो, सभी के अंदर प्रोविजन दे रखा है। चाहे आपने कोई सा भी प्लान लिया हो, सभी के अंदर आपको जो है लैंडलाइन फोन लगाने का ऑप्शन दे रखा है। तो हम यहाँ पे लाइव इसको करके देखने वाले हैं कैसे आपको इसको कनेक्ट करना होता है, ठीक है, किस तरह से इसका सेटअप होता है, कॉलिंग कैसे करनी है, नंबर कैसे कंफर्म करना है। अगर आपको अपना लैंडलाइन नंबर नहीं पता है तो आप कैसे वो कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एयरटेल के 2 कनेक्शन लगे हुए हैं, तो किसी भी एक कनेक्शन के साथ लगा के हम यहाँ पे चेकआउट करने वाले हैं। तो कैसे अगर आप इस हैंडसेट को परचेज करना चाहते हो तो अमेजोन का बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाके आप परचेज कर सकते हो। अगर आप आज ऑर्डर करते हो 2 दिन के अंदर आपको जो है ऑर्डर देखने को मिल जाता है। मुझे अर्जेंट चाहिए था तो मैं इसको ऑफलाइन मार्केट में लेके आ चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ऑफलाइन मार्केट में ये दोस्तों 900 का पड़ा है, तो ऑफलाइन मार्केट थोड़ी सी महंगी हो जाती है, ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो ऑनलाइन आप चेकआउट कर लेना अगर आपको जल्दी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कैसे इसको सेटअप करते हैं अपने एयरटेल के फाइबर कनेक्शन के साथ में, तो वो यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल जाता है। इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ, पहले से ओपन है ये वैसे। तो यहाँ पर हमें जो है हैंडसेट देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और ये है भाई प्रॉपर एक लिफाफे में मिल जाता है। और इस बॉक्स के अंदर आपको एक बिल मिलता है, बिल शायद पहले निकल गया होगा, कोई बात नहीं। और ये है हमारा हैंडसेट, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा मतलब कि हाई फाई नहीं है। आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, ठीक है, बीटल की, और साथ में यहाँ पे एक LCD पैनल मिल जाता है जो कि बहुत छोटा सा है। बाकी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जो है कीपैड मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों जो है आपको साथ में एक केबल मिलती है पहले से, ठीक है, जो एक साइड से ऑलरेडी पहले फ़ोन के अंदर कनेक्टेड होगी, और जो दूसरा एंड है इसको ओपन करके दोस्तों आप लोगों को जो है राउटर में लगाना है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 राउटर हैं, तो हम किसी भी एक राउटर में लगा के इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले से ये इंसर्टेड है, और जो ये वाला जो कनेक्टर होता है ये RJ11 कनेक्टर इसको बोला जाता है, ठीक है। एक RJ45 होता है जो आपका इंटरनेट वाला होता है, ये वाला तो हमें टेलीफोन के लिए जो सिर्फ 2 पेयर पे चलता है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने इसको लीड को ओपन कर लिया है, ठीक है, काफ़ी लंबी आपको लेंथ मिल जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको रख लेते हैं यहाँ पे टेबल पे, और अभी इसके अंदर कुछ भी पावर वगैरह नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे टोटली मतलब डेड है इस टाइम फोन। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला हमारा एयरटेल का एक्सट्रीम फाइबर का राउटर लगा हुआ है, और इसके ऊपर ही आपको जो है पोर्ट नज़र आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसके ऊपर लिखा हुआ है FXS दोस्तों, ठीक है। तो यहीं पे आपको जो है ये वाला कनेक्टर इंसर्ट करना है। तो जैसे ही मैं इस पर इंसर्ट करूँगा आप नीचे देख पाएंगे इसमें लाइट आ जाएगी, अभी लाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको इस पर कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको डेट वगैरह और टाइम वगैरह यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यानी कि इसमें जो है करंट आ चुका है, बट इसके अंदर कोई भी मतलब कि किसी भी तरह के ना लाइट्स वगैरह नहीं है, बैकग्राउंड जो लाइट्स होते हैं ना वो नहीं है। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा ये जो है हैंडसेट है। अब यहाँ पे गाइस करना क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको ऊपर उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों जो है आप लोगों को डेट टाइम मंथ वगैरह आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो अभी मैं ये सेट वगैरह नहीं करने वाला हूँ, अभी मैं आप लोगों को जो है कॉल वगैरह करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को अगर आपका अपना जो लैंडलाइन नंबर आप लोगों को मिलता है जियो की तरफ से या फिर एयरटेल की तरफ से, अगर आप वो नहीं जानते हो तो अगर एयरटेल का कनेक्शन आपके पास है तो एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर आपको प्रॉपर वहाँ पे नज़र आ जाएगा जो भी आपका यहाँ पे लैंडलाइन नंबर आपको मिलता है। अगर आप जियो का फाइबर कनेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको माई जियो ऐप के अंदर देखने को मिल जाता है। बट इन केस अगर आप लोगों को वो नहीं मिल रहा है, नहीं मतलब कि पता चल रहा है, तो आपको करना कुछ नहीं है, इस वाले हैंडसेट से आपको कोई भी अपना एक मोबाइल नंबर डायल करना है। मोबाइल नंबर डायल करके दोस्तों आप उस लैंडलाइन नंबर का पता लगा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं एक नंबर यहाँ पे मिला लेता हूँ और साथ में पता भी चल जाएगा कि कॉल यहाँ से कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले इस होल्डर को आपको उठा लेना है, और यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आप डायल करना चाहते हो सबसे पहले आपको 0 डायल करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे डायल करना है। तो चलिए मैं 0 डायल कर लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे दोस्तों मोबाइल नंबर डायल किया और यहाँ पर जो है कुछ ही देर बाद आपको कॉल नज़र आ जाएगी। अगर नेटवर्क आपका अच्छा होगा जल्दी कॉल आ जाएगी, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम भी ले लेती है कॉल दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक जो देख सकते हैं कॉल वगैरह नहीं आई है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉल है वो लग चुकी है। ये इसी मतलब के लैंडलाइन से कॉल आ रही है दोस्तों, लैंडलाइन नंबर है, ठीक है। मैं अभी शो नहीं कर सकता आप लोगों को। और यहाँ पर दोस्तों जो है अब आप देख सकते हैं कि आपका जो भी लैंडलाइन नंबर होगा वो भी आपको पता चल जाएगा, एंड साथ में दोस्तों जो है कॉल कनेक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगी। अब दोस्तों ये जो सेम नंबर है, सेम नंबर को डायल करके दोस्तों हम जो है यहाँ पर अपने लैंडलाइन की रिंगटोन भी सुन लेते हैं, और इधर से कॉल जा रही है या फिर नहीं जा रही वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं इसी सेम नंबर को यहाँ पर डायल करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं रिंगटोन भी सुना दूंगा आप लोगों को। देख सकते हैं इस साइड से जैसे ही मैंने कॉल मिलाई तो इमीडिएट इधर रिस्पॉन्स आ गया। यहाँ पर जो है बेसिक जो भी रिंगटोन है दोस्तों वो आप लोगों को नजर आ रही होगी, ठीक है। तो जो भी इसका सिंपल सा रिंगटोन है भाई, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट जो है सिलेक्टेड होता है। इसमें रिंगटोन चेंज करने का ऑप्शन शायद मे भी नहीं मिलता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेसिक वाला हैंडसेट है। तो कॉल इमीडिएट आपकी मिल जाती है भाई, ठीक है। मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। हेलो हेलो, तो इको हो रही है क्योंकि सेम जगह पे जो है भाई दो हैंडसेट यूज़ करोगे तो इको होगी। बाकी दोस्तों कॉल वगैरह आपके यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है, आप फ्री में अनलिमिटेड कॉल यहाँ से कर सकते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग दोस्तों। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल लाइव देख लिया कि आप इस हैंडसेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपके पास जियो का फाइबर कनेक्शन हो या फिर आपके पास एयरटेल का फाइबर कनेक्शन हो, ये फैसिलिटी भाई आप लोगों को जो है सिर्फ एक हैंडसेट लेना पड़ता है तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकते हैं। चाहे दोस्तों आप यहाँ पर जो है लोकल कॉल करो या फिर दोस्तों आप नेशनल कॉल करो, इनकमिंग भी आप लोगों को दोनों साइड से देखने को मिल जाती है। तो भाई ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जियो की तरफ से और एयरटेल की तरफ से। बाकी दोस्तों दोनों ही कनेक्शन के अंदर अगर आपके पास एयर फाइबर लगा होगा तो दोनों के पास एयर फाइबर के अंदर भाई ये प्रोविजन नहीं है। जियो जो है ना ऐप के थ्रू आप जो है जियो एयर फाइबर के अंदर कॉल वगैरह कर सकते हो, क्योंकि लैंडलाइन नंबर आप लोगों को मिलता है, बट वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वो बेसिकली आप सबको पता है कि भाई बाई इंटरनेट चलता है, तो कॉलिंग एक्सपीरियंस इतना बेटर नहीं होता है जैसा आपको यहाँ पर हैंडसेट के थ्रू मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास फाइबर कनेक्शन लगा हुआ है तो भाई एक हैंडसेट कनेक्शन आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।